गर्मी का सवाल एक एक आदमी ही दे सकता है गर्मी का सवाल। जरा बताइए गर्मी के बारे में कुछ बताइए, जरा लोड शेडिंग के बारे में जरा बताइएगा, जरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। गर्मी में आप मुझे शरबत का बताइए, कौन सा शरबत है जो गर्मी मारेगा। सलामकुम, मुझे ये बताइएगा आप लाइव जा रही हैं, गर्मी जा रही हूँ मैं। पछता हूँ कि बिच्छू फिल्म अगर आपने देखी हो तो बिच्छू का विलन जो है वो मेरे पीछे आ रहा है। और गर्मी के हवाले से कुछ हम सवाल करेंगे। सलामकुम, गर्मी के हवाले से ज़रा बताइएगा कितनी गर्मी हो रही है, इसका क्या है, हमें कौन सा शरबत पीना चाहिए गर्मी में ज़्यादा। गर्मी में सबसे ज़्यादा गन्ने का शरबत पीना चाहिए, फायदेमंद होता है। अच्छा, और ये जो अपना स्विमिंग पूल आपके हिसाब से गर्मी में जो बच्चे जाते हैं, स्विमिंग पूल आपके हिसाब से जाना चाहिए या नहीं? स्विमिंग पूल दोपहर में बच्चों को जाना चाहिए, जो कम गहरे स्विमिंग पूल हो उसमें बच्चे जाने चाहिए। और आप मैं कुछ इनसे सवाल कर लूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। चाइना कटिंग के जो प्लाट्स अभी आए हैं, आप लोगों ने न्यूज़ पे सुना होगा, और उनको बिल्डोजर चढ़ा दिया है और उनको अल्टरनेट कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपके लिए क्या है, उनके साथ इंसाफ हो रहा है या ना इंसाफी हो रही है? उनके साथ सही हो रहा है। चाइना कटिंग नहीं, गन्ने का शरबत है गर्मी मारता है, अंगूर का शरबत है गर्मी मारता है, फालूदे का भी है। अब मैं इनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, लोड शेडिंग जो हो रही है, लोड शेडिंग का कोई टाइम मुकर्रर है कि कौन सा टाइम लोड शेडिंग का होना चाहिए? है ना, लोड शेडिंग का भी टाइम मुकर्रर है, जब गाड़ियाँ आती हैं तो लाइट चली जाती है, पंखे बंद हो जाते हैं, गर्मी से हम लोग मर रहे होते हैं, बिजली वाले काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या मैसेज देंगे, पाकिस्तानी कौम आपको सुन रही है, कोई मैसेज गर्मी के हवाले से कि गर्मी से बचा किस तरह जाए? गर्मी से बचने के लिए आप नहाए ना, ठंडे पानी से नहाए, बच जाएंगे गर्मी से आप। ये है गर्मी का। मुझे ये जरा बता दीजिए, लाइव जा रहे हैं आप, लोड शेडिंग जो हो रही है गर्मी में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोड शेडिंग को होना चाहिए या नहीं? लोड शेडिंग से सर बिजली गई भी है, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। मुझे ये बता दीजिएगा, लोड शेडिंग से हुकूमत तो बाज नहीं आएगी, हम क्या करें जो लोड शेडिंग से बच सके? माइक छोड़ के बोलो। लोड शेडिंग से बचने के लिए आपको बिजली बहाल करना पड़ेगी। स्विमिंग पूल जो जाते हैं लड़के, आपके हिसाब से स्विमिंग पूल जाने के लिए क्या टाइमिंग है, स्पेसिफिकली स्विमिंग पूल की टाइमिंग? स्विमिंग पूल की टाइमिंग में 1 बजे से 4 बजे तक जरूर जाना चाहिए आपको। सही है। आपका नाम क्या है? राबिया। मेरा नाम नहीं, आपका राबिया तो इनका नाम है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिम सन्नाडा। आसिम सन्नाडा, आप क्या कहेंगे, ये जो लोड शेडिंग हो रही है गर्मी में, उसके बारे में क्या कहेंगे, हमारी ऑडियंस आपको सुनना चाह रही है? लोड शेडिंग गर्मी में जो हो रही है, बिजली वाले बिजली नहीं खोल ले तो हर आदमी परेशान है उससे सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस गर्मी में शरबत के हिसाब से बताइए, शरबत कौन सा है जो गर्मी में पीना चाहिए? गर्मी में तरबूज का शरबत, अंगूर का शरबत और गन्ने का शरबत पीना चाहिए। अब मैं इनसे कुछ सवाल कर लूँ, अब मुझे ये बताइए कि इस टाइम हुकूमत को क्या कहेंगे आप कि गर्मी में क्या क्या फैसिलिटी आवाम को दे हुकूमत? हुकूमत को चाहिए कि दरख्त लगवाए ऊंचे, बहुत ज्यादा दरख्त साए का इंतजाम करे आवाम के लिए, ताकि लोग गर्मी से बचें और फायदा उठाएं। चल कराची चल। और ये बड़ी मशहूर शायरी है ट्रैफिक के बारे में, अबे या ट्रैफिक के क्या है, ट्रैफिक के अंकल ने देख लिया है, अंकल समझ गए कि क्या गेम हो रहा है। ये सुनाने को थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, गर्मी में कौन सा शरबत आपको लगता है आवाम को क्या राय देंगे कि गन्ने का शरबत या तरबूज का कौन सा शरबत बेहतर है? गर्मी में सबसे बेहतर तरबूज का शरबत है। तरबूज का शरबत बेहतर है। और ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक आप देख रहे हैं बिल्कुल बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं, इसका क्या सलूशन है आपके हिसाब से, कैसे कम किया जाए? सबसे रोड पे सिग्नल बना देंगे। एक सेकंड, मैं इनसे कुछ बात कर लूँ, मेरे ध्यान में अभी मैं दे देता हूँ आपको। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी, नहीं मैं बहुत नीडी है, बहुत नीडी है और बहुत प्यारे आदमी है। आपको क्या लगता है, स्विमिंग पूल जाना चाहिए इस टाइम इस गर्मी में? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहिए, नादरन बाईपास पे नहर बनी है उसमें जाके नहाना चाहिए। नादरन बाईपास पे नहर बनी हुई है उस पर जाना चाहिए, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये बात हमसे बात करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू किया, मैं तो चाहता था आप इसी तरह के इंटरव्यू करें और बहुत सारे लोगों से करें। लंडा बाजार के बारे में क्या कहेंगे, जो रोडों पे लगे हुए होते ये पतारे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? रोडों पे जो पतारे लगाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रोडों पे जो पतारे लगाते हैं नाजायज है, फौरी तौर पे खत्म करवा देना चाहिए। गर्मी के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको लाइव जा रहे हैं, इस टाइम गर्मी के लिए क्या पॉइंट देंगे आप,
गर्मी से बचने के लिए क्या से क्या हम कुछ कुछ कर सकते हैं? गर्मी से बचने के लिए आप गन्ने का रस पिए ना, अंगूर का रस पिए, सेब का रस पिए, गर्मी से बचने सवाल के लिए। सवाल मेरे को काइंडली ये जवाब देने दे, सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ। भाई पहले उनसे पूछ ले, आप चल रहे सवाल इनसे कर रहा हूँ, जवाब भी यही देंगे। ठीक है, सवाल ये तो मुझे आता है जवाब। नहीं, बड़ी मेहरबानी। पॉटी आ रही है जी इनको, ये लाइव बोल के गए कि इन्हें पॉटी आ रही है और इतना बेहुदा मुंह बनाया था, मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं तो अगर 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 यहाँ बोलिएगा, माइक पे बोले, माइक पे अगर अगर उन्हें पता ही नहीं है कि ये चाइना कटिंग है या नहीं तो वो क्या है? सही बात, नहीं पता। जब मकान ले रहे थे तो आप सही से देखभाल करते, प्लान लेने से पहले देखभाल करते? देखिए माइक में बोले, काइंडली आपकी आवाज नहीं आ रही थोड़ा सा, कैसे आप क्या कह रहे चाह रहे हैं? एक सेकंड, इनका भी पॉइंट आना चाहिए पब्लिक की नजर में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बात नहीं है, देखिए जो बात है सही, वो चाइना कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप चाइना कटिंग के बिल्कुल खिलाफ आप बोले, टीवी पे बोले चाइना कटिंग के खिलाफ। ठीक है, जून जुलाई की छुट्टी एंजॉय करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जून जुलाई की छुट्टियों में इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, इधर उधर काकान, नागरान, इधर जाना चाहिए। ठीक है, क्या आपकी सैलरी वगैरह क्या इतनी है कि आप आसानी से महीना सर्वाइव कर लेते? सर सैलरी नहीं बता सकता मैं आपको, हाँ आसानी से घर चल जाता है मेरा, बस ये बता। मतलब दाल चटनी चल रही है या कोरमा रोटी चल रही है, इतना तो आप बता सकते हैं? मतलब है हफ्ते में एक दफा कोरमा खा लेते हैं, बाकी दाल चटनी चल रही है। दाल चटनी आप थोड़ा सा एक पॉइंट आपका लाजमी होना चाहिए, दो मिनट के लिए ये रिक्वेस्ट है। ये आप क्या कहेंगे, लोड शेडिंग गर्मी में हो रही है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सलूशन क्या है? अब हुकूमत तो बाज नहीं आएगी, वो तो करेगी, सलूशन क्या है आपके हिसाब से? सलूशन ये है कि गर्मी का कि आप लाइट को पूरी तरह से आवाम को दें ताकि उनके पंखे चले, उनके सब कुछ चले। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई मैसेज देना चाहें हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए, कोई मैसेज आपका जो पाकिस्तानी कौम को? मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि हर वक्त एक दूसरे से मिलजुल के रहें, मोहब्बत करें, इखलाक से पेश आए, बुजुर्गों की इज्जत करें और अपने बच्चों को तालीम अच्छी से अच्छी दिलवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको संभाल पाएगी या इसे प्राइवेट कर दिया जाए? नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती है, प्राइवेट लोग ही इसे चलाएंगे, और कोई नहीं चला सकता। और कोई नहीं चला सकता? नहीं, कोई पक्की बात है। अच्छा, ये हमने आपसे मजाक किया, सुनिए मेरी बात, मजाक किया है, मजाक सुन तो ले। आप कोई और राय लेंगे उसके लिए अच्छा है ही नहीं चाइना कटिंग के लिए। थैंक यू सो मच, मजाक कर रहे हैं भाई हमारे, ये प्रोग्राम की शूटिंग हो रही है, ये रिपोर्टिंग का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम हाथ हिलाते मजाक कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे स्विमिंग पूल का बता दीजिए, इस वक्त गर्मी में आपके हिसाब से क्या स्विमिंग पूल ज्यादा जाना चाहिए? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल बेहतर है, आप घर के शावर से नहा ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, स्विमिंग पूल ना जाएं। अच्छा भाई, हमने मजाक किया है आपके साथ, और ये रिपोर्टिंग के लिए आपको मामू बनाया, इस टाइम पूरी दुनिया आपको देख रही है, हाथ हिला दे, ये बोलते हैं पी4 पकाओ को सब्सक्राइब करें, पी4 पकाओ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।